ने इन्वेस्टमेंट करने का कहा है 10 बिलियन डॉलर्स इन पाकिस्तान। क्या वजूहत हम देखते हैं कि अब सऊदी जो है पाकिस्तान के अंदर 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करा है? कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, स्पेशली इंडिया के लिए, आप लोगों के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है 10 बिलियन डॉलर, क्योंकि हम 1 बिलियन के लिए IMF के कदमों तले आ जाते हैं, तो ये फिर 10 बिलियन डॉलर्स है। तो क्या वजूहत आपको लगती है कि सऊदी 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है? जबकि पीछे थोड़ा सा हम नजर दोहराएं तो तब सऊदी के शहजादे ने विजिट करने से इनकार कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया, और इस तरह की काफी वजूहत हमारे सामने आने लग गई हमारे अरब ममालिक की जानिब से। तो अब इन्वेस्टमेंट करने की क्या बड़ी वजूहत आपको लगती है? देखिए अनम, एक बात आप समझ लीजिए कि जो इस समय क्राउन प्रिंस हैं या प्रिंस या किंग हो चुके हैं, मुझे पता नहीं, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं मोहम्मद बिन सलमान की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो काफी अच्छे इंसान है, विजनरी लीडर है। तो इसको जो आपका 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला तो कि अभी MOU हुआ है कि ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी लगेगी। उस ऑयल रिफाइनरी में को सेटअप करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पर ये कोई कॉन्क्रीट नहीं है। ऐसे ऐसे आपको कब से आ रहा है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और होता कुछ नहीं है। जब आपके जो वजीर आजम है इमरान खान, वो भी आए थे, तो उनको भी कहा गया था हम ये करेंगे वो करेंगे, हुआ नहीं। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसमें सच्चाई है, तो आप ये समझिए कि ये आपके पास जो डील आई है, ये जो इन्वेस्टमेंट आई है, ये वाया अमेरिका, वाया IMF ही आई है। उसके तहत आपको कई कंडीशंस रखी जाएंगी कि हम आपकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तैयारी करेंगे, मगर आपको हार्ड लाइन जो आपने ले रखी है रिलीजन की, उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपसे इसराइल की रिकग्निशन की भी बात की जाए, क्योंकि इस समय जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ईरान के साथ समझौता कर चुके हैं, और ईरान के साथ सऊदीया का समझौता उसी तरीके का है जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ समझौता है। तो वो एक लिबरल आउटलुक ले रहे हैं, वो दुनिया को नए तरीके से देख रहे हैं, और ये बिल्कुल हो सकता है कि आपकी सरकार ने ये वादा किया हो कि हम जो है, चूंकि इमरान खान को अब हम बाहर कर चुके हैं, हम रिलीजन को उतना ज्यादा राजनीति में या सियासत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाएंगे, भारत से दुश्मनी नहीं रखेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं कि हो सकता है कि आपको कश्मीर पे भी अपना जो है वो सब भूलना पड़े, और वैसे भी भूलने के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं आज की डेट में। तो ये बहुत सी डील होंगी, क्योंकि मोहम्मद बिन, आपको याद होगा ना, आपने मोहम्मद बिन सलमान साहब की बेइज्जती की थी जब उन्होंने इमरान खान से कहा था कि आप जो है, जब वो जनरल असेंबली में गए थे भाषण देने, इमरान खान को उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आप कश्मीर की बात नहीं करेंगे और ये रेडिकल उसकी बात नहीं करेंगे, मगर इमरान खान साहब ने वहां से कह दिया हम तो मुसलमान हैं, हम तो मारना जानते हैं, मरना जानते हैं, और पता नहीं क्या क्या, जिसकी आपके ऑफकोर्स बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दुनिया तो उसको सुन के सिहर गई थी कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब है इनके पास और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उसका आपको खामियाजा ये भुगतना पड़ा था कि इमरान खान साहब से बीच रास्ते में उन्होंने उतरवा लिया था प्लेन, और आपने वहां से ये भी डिक्लेयर कर दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फ्लोर से, इमरान खान साहब ने किया था, हम मलेशिया, टर्की और कतर मिलके एक टीवी शुरू करेंगे इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में। मैं रोज उस चैनल को देखता हूँ, बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट आता है उस पर, आप भी देखते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो जो इमरान खान यानी पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने जो मिलके टीवी चैनल शुरू किया था, तो वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी देखती होंगी रोज, हम तो उसको रोज ही देख रहे हैं, हमारे आ रहा है उसका, बस उसमें कुछ दिखता नहीं है, बात अलग है। तो देखिए बात यह है कि ये जो है ना मोहम्मद बिन सलमान आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, आप तैयार रहिए, अगर ये मेटेरियलाइज करता है तो, वरना तो जैसे आपका वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में जो टीवी चल रहा था, उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक MOU है और अभी तो इसको बहुत लंबा सफर जाना है, बट इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इतना आसान नहीं होगा ये। अगर आएगा 10 बिलियन तो इसके साथ आपके लिए बड़ी बड़ी कंडीशनें आएंगी। जी बताएं। सर, हम देखते हैं कि ग्वादर की ऑयल रिफाइनरी को स्टार्ट किया जाएगा दोबारा से। अगर ग्वादर की बात की जाए तो वो भी लीज पर, अगर हम पोर्ट की बात करें वो भी लीज पर, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की लीज पर। और आपने एटॉमिक पावर की बात की, एटॉमिक बॉम्ब की, तो वो भी हमें सऊदीया की ही एक मेहरबानियों में से एक मेहरबानी हमारे ऊपर है। लेकिन
अभी इस सवाल का ये मतलब है कि अगर हम बात करें कि सऊदीया ने किसके मातहत हमें ये 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो इसराइल, चाहे IMF, किसके मातहत। लेकिन अगर सवाल अब यहाँ पर एक और पैदा हो जाता है, अगर इसराइल की, जैसे हमने बात की है, तो इसराइल की अगर बीच में अगर हमारे ऊपर टर्म एंड कंडीशन भी रख दी जाती है, क्या हम इसराइल को मानना शुरू करेंगे? दुबई ने, सऊदी ने, काफी हद तक दुबई ने तो मानना शुरू कर दिया है। तो क्या वजूहत आपको लगती हैं कि क्या हमें करना चाहिए आगे इस टर्म एंड कंडीशन से निकलने या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, आपने सऊदी ईरान पीस डील नहीं सुनी क्या? आपने 30 मार्च को, आप अगर हो तो कार्नेजी एंडाउमेंट का जो है इंटरनेशनल पीस पे वो पढ़ लें। तो जब सऊदी और क्या नाम है, ईरान अगर डील कर सकते हैं तो आप उनसे भी बड़े मुसलमान हैं। आप तो कन्वर्टेड हैं यार, अजमी हैं यार, फॉर गॉड सेक। आप कोई फर्स्ट कैटेगरी के तो है नहीं, आपको जन्नत भी फर्स्ट कैटेगरी की नहीं मिलेगी। आप वो जन्नत में भी थर्ड कैटेगरी के पैसेंजर जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आप थर्ड कैटेगरी बनेंगे, ये याद रखिए। आप फर्स्ट कैटेगरी नहीं बन सकते। जो फर्स्ट कैटेगरी आपको बनना था वो थे हिंदुस्तानी बन के रहते आप, तो आप फर्स्ट कैटेगरी के रहते। लेकिन आपने थर्ड कैटेगरी का होना स्वीकार किया और फर्स्ट कैटेगरी का रहना मना कर दिया। तो अब आपको क्या भाई, जब सऊदीया कह रहा है हम ईरान के साथ पीस डील करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने किया भी, आप उसके बाद जो है वो कह रही, वो सऊदीया जो है वो अभी आपको पता होगा UAE में जो इसराइल के लीडर आए थे चुपके चुपके उतरे थे, इवन ये भी रिपोर्ट हुआ था कि वो सऊदीया भी गए थे चुपके से उतर के और उनकी काफी बातचीत हुई थी। तो देखिए दुनिया बहुत आगे जा रही है और आप जो है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल जानती हैं क्या होगा? आपका रोल होगा जब किंग और क्वीन चलते हैं तो उसमें जो प्यादे होते हैं मरने मारने के लिए, वो काम आपको दे दिया जाएगा। वहां चले जाओ 10 लोगों को मार दो, यहाँ जाओ 1 लाख लोगों को मार के आ जाओ, उसमें जाके मरने चले जाओ। ये आपका टोटल इस पूरे जो ग्रेट गेम होगा दुनिया में, आप मरने मारने का काम करेंगे। ना तो आप डिसीजन मेकिंग में होंगे, ना डिसीजन आपके लिए बनाया जाएगा। आपको डिसीजन बता दिया जाएगा ये करना है ये करो। तो आप एक थर्ड ग्रेड दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी उसमें आपका थर्ड ग्रेड रोल होगा, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को मानते नहीं है, इंडियंस को, आप इंडियन होने का तो स्वीकार नहीं करती ना, आपके यहाँ सब कोई जो है वो एंटी इंडियन है। तो आपको इसमें वो किसी के भी माता हो तो वो आपको पैसे देंगे $10 बिलियन, आपकी हिम्मत होगी कि आप कहें कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे? आप दौड़ के मानेंगे इसराइल को, उन्होंने सारे पैसे यूं आपके चोक कर देने। आपसे वो कहेंगे ना कि आप ये कहो कि हम इंडियन है, आप वो भी कहोगे। अभी तो सबने आपको ना पैसे दिए, बम दिया, टेक्निक दी, असलहे दिए, सब मांग के मिल गया आपको, मांग के आपने मांगे हुए उस पर जो है ना देश बना लिया। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि देश होता क्या है। देश होता है अपनी मिट्टी से प्यार। आपके लोग अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते, वो तो अपने पंजाबी होने पे शर्माते हैं। जो भाई आप कह रहे हो कि हम गजवाए हिंद में विश्वास रखते हैं, एक हिंदुस्तान की धरती पे खड़ा होकर के कह रहे हैं हम गजवाए हिंद करेंगे, हम हिंदुस्तान की धरती को बर्बाद करेंगे। देख लें, आपको बता दिया जाएगा क्या करना है। तैयार रहे, आपको $10 बिलियन बहुत छोटी जो खिलाड़ी है इंडिया, तो आने वाले 10 सालों में कहाँ होगा आप सोच सकते हो? उसके लिए $15-20 बिलियन यूं वाली बात होगी। अभी भी हमारा जो रिजर्व है $650 बिलियन के आसपास का है, तो उसी में हमने आपको, अगर आपको 10 बिलियन पे ही आप खुश हो रहे हो तो 10 बिलियन तो यूं ही हम दे देंगे भाई आपको। तो आपका, आप देख लें कि क्या करना चाहते, या होश के नाखून लें जो हाँ मोहम्मद बिन सलमान जा रहे हैं उस रास्ते पे चलें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाएं, इंसानों को इंसान समझें, रिलीजन उनका पर्सनल अफेयर बना दें और उसके बाद आप भी तरक्की करें। अब आपको चुनना है जो चुन लें। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा है कि इंडिया के पास इस टाइम भी इतना रिजर्व है कि वो पाकिस्तान की इस तरह चुटकी बजा के मदद भी कर सकता है। अगर हम बात करें सऊदी की ही, तो एक जगह मैं पढ़ रही थी, वहां पर कुछ पिक्चर्स चल रही थी और पीछे वॉइस ओवर चल रहा था कि अगर पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट थी, पाकिस्तानी लोकल किसी मतलब जर्नलिस्ट की ही बात हो रही थी, तो वहां पर ये चीज एंटी मुस्लिम, एंटी मोदी के बारे में कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो पीछे उन्होंने वॉइस ओवर पे पिक्चर चलाई कि देखो भाई इजिप्ट मुस्लिम कंट्री पर मोदी को सर आंखों पे बिठा रहे हैं, सऊदी मुस्लिम कंट्री पर मोदी को सर आंखों पे बिठा रहे हैं, टर्की की जानिब देख लो, फिर दुबई की जानिब देख लो, मिडिल ईस्ट जितनी भी कंट्रीज है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रही है। तो क्या वजूहतें, सिर्फ पाकिस्तान ही एक इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम को मानते हुए ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ एक हम ही इस्लाम को मानने वाले हैं, या फिर जो पाकिस्तान से कुछ लोकल लोग कॉमन पर्सन जिनसे मैं इंटरव्यूज भी लेती हूँ तो वो भी अक्सर बात यही कहते हैं कि अय्याश है सऊदी वाले या मिडल ईस्ट वाले या ये अर्थ के शहजादे, ये सब अय्याश हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री है, या फिर हम इस्लामिक कंट्री के असूलों पर नहीं है, वो लोग इस्लामिक कंट्री के? देखिए, इस्लाम तो दो तरीके का है ना, एक अरबी इस्लाम है और एक अजबी इस्लाम है। आप कौन है? आपको अरबी आती है? नहीं आती है। आपके अरबी जो है माशाल्लाह इंशाल्लाह जजाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह पे शुरू होगी, वहीं खत्म हो जाएगी, और बहुत होगा तो या हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी कर लेंगे आप, इससे ज्यादा तो आपकी अरबी नहीं है कुछ। तो पॉइंट ये है कि आपका इस्लाम जो है वो अरबी इस्लाम से अलग है ना। अरबों के लिए जो इस्लाम है वो उनके हजारों साल की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, बाकी तो उनका सब वही रह गया। जैसे आप देख लें, आप वो नहीं खाती हैं, क्या नाम है, पिग, वो यहूदी भी नहीं खाते हैं, उनके भी रिलीजन में प्रोहिबिटेड है। तो एक सऊदी को मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि एक अरबी को मुसलमान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल मुसलमान है। मतलब वो उसको ये नहीं है कि उसके यहाँ पे कोई मौलवी आएगा और वो पढ़ाएगा, नहीं भी होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट मुसलमान है। जैसे हमारे यहाँ आपको सनातनी बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप पैदा हो गए सनातनी हो, वैसे आप अरबों में पैदा हो गए तो आप अपने आप मुसलमान, क्योंकि उनका उनका लाइफस्टाइल ही इस्लाम है। लेकिन आपको आपको पहले अपनी जड़ें खुरेदनी पड़ती हैं, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ता है, अपनी भाषा चेंज करनी पड़ती है, अपने खान पान को चेंज करना पड़ता है, आपको मुसलमान बनने की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। आप वो देते हो, उस कीमत के बदले में आपको मिलता भी सिर्फ सेकंड ग्रेड का आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट ग्रेड तो नहीं बनते हो आप, फर्स्ट ग्रेड तो नहीं बनते ना आप अरबों के सामने आप सर उठा के चलेंगे क्या? वो दो चित्र लगाएंगे आपको, वो बता देंगे कि भाई आप देख लें, आप सऊदी अरबिया में यूएई में कब से पढ़े हैं, आपके लोग जरा बोलिए कि सिटीजनशिप दे दें, क्योंकि और सिटीजनशिप देंगे ना तो आप अरब बन जाएंगे। जैसे जर्मन में सिटीजनशिप मिलती है तो आप जर्मन बन जाते हैं, इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की तो आप इंडियन बन जाएंगे, अमेरिका की मिलेगी तो आप अमेरिकन बन जाएंगे। तो अगर आपको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली तो आप क्या बन जाएंगे? अरबी बन जाएंगे, वो आपको अरबी बनने देंगे, लाहौल बिलाकूबत सोच नहीं सकते वो। तो आपको मजा आता है सेकंड ग्रेड बनने में, आप सेवा करने के लिए बने हुए हैं, आपकी कोई अपनी जो अपनी धरती का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो और किसका होगा? आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा, आपको लोग यूज करेंगे, चाइना आपकी टेरिटरी को यूज करेगा, सऊदीया आपकी टेरिटरी को यूज करेगा, आप जिसे कहते हैं कि चुपचाप से उनकी म्यूजिक पे आप भारत को गालियां देंगे, आप कुछ हुआ तो नुक्लियर बम बांध देंगे, पाव पाव बम के पाव पाव भर के बम है। जरा जब यूएई के प्रिंस बोले और जरा जब सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान बोले कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करना है तो जरा बोल के देखिएगा। इमरान खान से बोला था उन्होंने कि जा करके यूएई जनरल असेंबली में कोई भी ऐसी बातें मत करना जो कि मुझे पसंद नहीं है, ना तो तुर्की के फेवर में, ना तो तुम इस तरीके के कश्मीर के अगेंस्ट में कोई बात बोलना, इस्लाम का पीसफुल रिप्रेजेंट देना। उन्होंने तो जाके सब गिड़िया गोवर कर दिया। तो क्या किया मोहम्मद बिन सलमान ने? रातों एक तो पहले बेइज्जत ये किया कि बीच रस्ते में उनसे प्लेन लिया था वापस, बीच रस्ते में इमरान खान साहब को प्लेन वापस करना पड़ा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, आप तो जा रहे थे टर्की मलेशिया के साथ एक नया अलायंस बनाने, उसका क्या हो गया? उसको भी उन्होंने आपको ठोके बजा के दिखा दिया कि तुम पैसा लेके दिखाओ। देखिए, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ खुश है, तुर्क अरब्स सब, कोई होगा कि चलिए 40% लोग कहेंगे कि हम तुर्क पहले मुसलमान बाद में 60 लोग कहेंगे, लेकिन सब तुर्क तो कह रहे हैं अपने आप को। आप दुनिया की इकलौती कौम हो कि आप अपने आप को इंडियन ही नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पाकिस्तानी और मुसलमान एक है आपके हिसाब से। तो आपका धर्म मतलब जैसे कि तुर्की और वो कहता है मुस्लिम फर्स्ट तुर्की सेकंड, आपका कहना मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम सेकंड मुस्लिम फोर्थ मुस्लिम फिफ्थ मुस्लिम लास्ट, उसके अलावा हम कुछ नहीं है, क्योंकि आप किसी आइडेंटिटी को मानते ही नहीं हो।
आप दुनिया के पहले ऐसी कौम हो जो अपनी भाषा पे शर्म करते हो। आपने अपने सड़कों में उर्दू लिख रखी है, अरबी लिख रखी है, और खुश होते हो कि हमने अपनी भाषा को मार दिया, खत्म कर दिया। खुश हो लीजिए, उसके बदले में आपको जो क्या मिला मुझे नहीं पता। आप उर्दू नाफिज गए करने गए बांग्लादेशियों पे, क्या मिला मुझे नहीं पता। आपने पाकिस्तान की लोकल भाषाओं को जिनोसाइड कर दिया, उस पर क्या मिला मुझे नहीं पता। और क्या मिल रहा है आपको, किताबों में नफरतें ठूंस ठूंस के भर दिया आपने, पता नहीं क्या मिल रहा है आपको। इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी आपकी? इकोनॉमी जो चलती है ना, इकोनॉमी सदियों में बनती है। आपने पाकिस्तान और भारत की जो पूरी इकोनॉमी थी, चोने की चिड़िया थी, आपने उसको अचानक से काट दिया और आपने कहा कि अब ये वाला हिस्सा मेरा है। तो जो इकोनॉमिक्स का जो सोर्स था वो आपने बीच में से काट दिया। इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज कुछ इंडिया में रह गए, इकोनॉमिक करने वाले लोग वहां पर रह गए। आपने अपने लोगों को चेंज करने पर सारा तवज्जो लगा दिया। नई कंट्री बनी थी तो आपको देखना चाहिए था कि हम अपने रिसोर्सेज को अब कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज है, लैंड रिफॉर्म कैसे करेंगे, दूरी गरीबी कैसे दूर करेंगे। तो आप लग गए, आपका पहला जो काम था वो कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाए। और आज तक नहीं पता, 75 साल हो गए, कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाए। अभी तक ये चल रहा है कि इस्लामिक हम कैसे बनाए। तो भाई जो चीज पता ही नहीं है, क्यों कर रहे हो वो टीटीपी से भी लड़ना है और पाकिस्तान को इस्लामिक भी बनाना है। रियासत मदीना भी चाहिए और पार्लियामेंट भी चाहिए। शरिया सबसे बेहतर लॉ भी है मगर पार्लियामेंट के कानून चलेंगे। तो आप देखिए, आप तो टेक्निकली मुसलमान भी नहीं है ना, आप लोग मुनाफिक है फ्रॉम एवरी, कोई भी कॉमन आदमी, इसीलिए आपको कोई मुसलमान, आपको मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानते, ये तो मानिएगा ना। टीटीपी आपको मुसलमान तो नहीं मानते, आईएसआईएस मुसलमान तो नहीं मानते आपको, अरबी भी आपको मुसलमान नहीं मानते। वो आपको कभी किसी की इज्जत देखिए, पाकिस्तानी जाके अरबों में भीख मांगते हैं। बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी आप ही एग्री करती हूँ कि सऊदी में पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। इवन दुबई ने काफी शहरों के पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लग गई, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियंस के साथ ऐसे नहीं किया जाता। और ना ही इंडिया के लोगों को मतलब जहां तक मेरी रिसर्च है कि सऊदी में सबसे ज्यादा जो है वो फांसी वो पाकिस्तानियों को ही मिली हुई है, मगर इंडियंस को नहीं इतनी मिली हुई। तो आपके नजर में क्या डिफरेंस है? क्या सिर्फ तालीम का फर्क है कि पाकिस्तानी इतने एजुकेटेड नहीं है या उनकी ग्रूमिंग वैसी नहीं है जिसकी वजूहत पे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर करते हैं या जो सोचते हैं वही जाके अरब या फिर यूनाइटेड या जो भी मतलब कंट्रीज में जाके इस तरह से करने लग जाते हैं, लेकिन इंडिया की ग्रूमिंग ऐसी नहीं है? क्या वजूहत आपकी नजर? पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है बेटे। एजुकेशन का मतलब है क्या पढ़ रहे हो किताबों में? मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा दूं लोगों को नफरतें, तो वही तो पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तानी जो पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। भारत ने अपनी किताबों में प्यार पढ़ाया सारी दुनिया के लिए, तो भारत ने प्यार बांटा और आज हम दुनिया में जहां जाते हैं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, किसी कॉरपोरेशन के चीफ लगे हुए, हमने प्यार बांटा। आपने क्या बांटा भाई? ए निक्के निक्के होंदे हैं, ए काले होंदे हैं, ए छोटे होंदे हैं, ए लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। खाली सारी दुनिया ताजमहल लाल किला और जोंक और गालिब से ज्यादा आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आपने अपनी चॉइसेस कम कर ली। आपको लगा आप तो कहते थे हमारे तो 57 मुल्क हैं, हम तो एक हैं। पता नहीं कहाँ एक हैं भैया, कहाँ गए वो इकबाल के तराने कि 56 मुल्क के इस्लाम के हम बहाने आएंगे तुमको दौड़ाने। और अब तो कोई नहीं पूछ रहा, वो तो उल्टा हो गया, फ्रेंडशिप बैंड तो इधर बांटी जा रही है। और इमरान खान साहब अभी कहीं ही इज कूलिंग हिज हील, वो तो मोदी को कहते, मैंने देखा है बड़े बड़े लोग छोटे छोटे पोजीशन पे आते, ट्वीट कर दिया था उन्होंने। अब वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत आला दर्जे के भाई, इतने आला दर्जे के, कहां उनकी पार्टी का क्या हुआ, मुझे सुनना चाह रहा हूं। वो तब्दीली कर रहे थे पाकिस्तान में। तो जो आप एजुकेशन को सॉल्यूशन मत मानिए, आप जो पढ़ रहे हैं वही एजुकेशन होता है। क्या पढ़ रही हैं आप किताबों में और आप क्या पढ़ेंगी किताबों में? हमारी किताबों में तो लिखा है कि भाई सब भाई बहन है, हम तो आपको अपनी बहन मान के बहुत खुश होते हैं, पर आप हमको अपना भाई मान करके समाज में खुश हो पाइएगा कि एक हिंदू मेरा भाई है? आपके समाज में लोग चार बात आगे करने लगेंगे और वो लोग ये भी कहेंगे कि हमारे यहाँ छुआछूत है।
आप ही के लोग ये गाली देंगे कि हिंदुओं में छुआ छूत है, और अपने यहाँ पे अगर आप एक हिंदू की राख, आप मेरी कलाई पे राखी बांध दीजिएगा तो आपको गाली देने वाले लोग मिल जाएंगे। ये समाज कैसा बनाया है आपने इंसानों के लिए, कि इंसानों के लिए रहने के लिए आपने मुसलमानों के लिए समाज बना दिया, इंसानों को खत्म कर दिया आपने। आपकी एजुकेशन व्यवस्था ने मुसलमान बनाया, वो भी ऐसा मुसलमान जो इस्लाम नहीं जानता। आप इंसान कभी नहीं बनाए और ना आपका इंसान बनाने में इंटरेस्ट था। आपको लगा जब अरबी एक मुसलमान बनता है ना तो वो अपनी कमियों को, एग्जिस्टिंग कमियों को दूर करके एक अच्छा इंसान बन जाता, लेकिन आप ऑलरेडी एक अच्छे इंसान था। आपको आपको खाली ईश्वर के थ्रू पाना था, आपने अपने को और अच्छा बनाना था, आपने कहा नहीं जी सब खत्म करो। तो आप मुसलमान बना रहे हैं और आपको कोई, आप ऐसे मुसलमान बना रहे हो जिसको कोई मान नहीं रहा है, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है आपको। मतलब आपके लोगों का वीजा बैन हो रहा है यूएई में, सऊदीया में सबसे ज्यादा प्रिजनर आपके यहाँ पे हैं, भीख आप जाके मांग रहे हो। तो फिर आप सोचो क्या कर रहे हो आप, कुछ कमी है ना आपके अंदर। लुक इनसाइड कि जब इंसान बनाओ और इंसान को छोड़ दो कि तुम्हें जो बनाना मानना है मान लो, या तो मुसलमान अच्छे बना लो, वो भी आप नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आप अरबी नहीं हो तो आप अच्छे मुसलमान भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि रहोगे तो आप अजमी, आप सेकेंड ग्रेड थे, सेकेंड ग्रेड ही रहोगे, फर्स्ट ग्रेड सिर्फ इंडिया में थे आप। वहां आप, हम आपको अपना गले लगाते हैं, हम बोलते हैं आप हमें से एक, आपको हमने लगता छोड़ दिया भैया जाओ जरा, और अरबी कहते यहां मत आओ यार, चलो हटो अपने घर में जाओ वहीं रहो, भीख मांगने आते हो तुम लोग यहाँ पे, बहुत होगा तो या हबीबी एक दो दिन गले लगाएंगे, तीसरे दिन वो छित्र लगाना यूं बता देंगे, इससे ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे मेरे कलीग थे बड़े लीबियन और उनके साथ वो दांत कटी दोस्ती, शुक्रवार को रोज नमाज पढ़ने जाने, चलो भाई नमाज का वक्त हो गया, यस ब्रदर यस ये वो ब्रदरशिप। पांचवे दिन बाद, पांचवे वीक में सब न्यूज आई कि भाई लोग साहब शॉर्ट्स में शॉपिंग करने गए थे, हमारे पाकिस्तानी भाई उनको बीच रस्ते में छोड़ करके टैक्सी पकड़ के वापस आ गए, और आके बोले थे यार ये बड़ा मक्कार आदमी, समझ में आ गया था उनको। तो चार दिन बड़ी अच्छी दोस्तियां चलती हैं, उसके बाद रियलिटी समझ में आ जाता है। भाई आपको कहने वाले हम हैं और आप हमको गालियां देते हैं, जी बताएं। बिल्कुल सही, आपने बीच में एक बात की उससे मुझे काफी ज्यादा मतलब हंसी आ गई, भीख वाली, कि आपने कहा भीख मांगते हैं, तो देखिए पाकिस्तानी लोगों का कसूर कहाँ पर है कि वो भीख मांग रहे हैं। जब आपके घर का बाप जैसा होगा तो आगे बच्चे भी तो ऐसी नसल नसल निकलेगी, तो हमारे ऑफिशियल जब जाके भीख मांगते हैं तो पाकिस्तानी भी तो जाके भीख ही मांगेंगे, वो तो हम ऊपर से सीख रहे हैं, पाकिस्तानियों का तो कसूर ही नहीं है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके भीख मांगने लग जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसा देखते हैं तो फिर वो भी जाके बाहर यही हरकतें करते हैं। बस मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ, आप कह रही हो चोर का बेटा चोर बनेगा, ऐसे नहीं होता बाबू, चोर का बेटा चोर नहीं बनता, चोर का बेटा सिपाही भी बन सकता है। पॉइंट ये है, नहीं आपके इसमें ये तो रेशियल बात होगी, हर इंडिविजुअल अलग है। मेरे और मेरे पापा के विचारों में बहुत अंतर था, आपके और आपके पिताजी के विचारों में बहुत अंतर होगा, हो सकता है आप लोग दो अलग अलग तरीके से दुनिया को देखें, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि चोर का बेटा चोर बनेगा, नहीं है ये तो रेसिज्म है। इसका मतलब ये कि इसका मतलब समझ लिया आप, मान लीजिए एक आदमी ने चोरी की, उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दो क्योंकि साले चोरी पैदा करने वाले हैं आपके हिसाब से। अगर आपको समाज में से चोरी खत्म करनी है तो एक चोर को आइडेंटिफाई कर दो, उसको बोले इसको जेल में डाल दो, अब इसका सारा खानदान वही जेल में रहेगा, या उसको बच्चे पैदा करवाने से मना करा दो। ऐसे ना कहें, खुदा का खौफ करे, चोर का बच्चा चोर नहीं बनता। सही, वो बहुत कम केसेस होते हैं, अगर ऐसा हो भी जाए तो देखिए कितने 22 से 25 करोड़ की आवाम है, इस 22 से 25 करोड़ की आवाम में कुछ लोग हैं जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और कुछ लोग जो अपने मुताबिक चलना चाहते हैं, अपने मुताबिक चल भी रहे हैं, एजुकेटेड हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो दो तरह के लोग हैं, एक जो हमारे ऑफिशियल्स के पीछे लगे हुए हैं, आज भी तो आप देखिए TLP, नून लीग, मुस्लिम लीग, पता नहीं कौन कौन सी जमातें बना के उनके पीछे लगे हैं, और आज भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट रख ले लोग बाहर आ जाते हैं, और वो भी पूरे 22 करोड़ थोड़ी आते हैं, वो कुछ एक मुस्तहिक मैं कहती हूँ एक ग्रोह है जो बाहर आता है और प्रोटेस्ट करता है। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि अक्सर उकात ऐसा होता है
कि एक बाप की 4 लाख, दो बाप के नक्शे कदम भी चलती हैं, बाप ने कहा ठीक हाँ ठीक, बाप ने कहा गलत हाँ गलत। तो ये चीज मैं मतलब क्लियर करना चाह रही, ऐसा हो भी सकता है। बाप आपको अच्छा गलत सिखा सकता है तो, पर बाप ये इसका मतलब डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बनेगा? आप इंडियन है, आप इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर बाप को अगर गलत होगी तो कहेंगे नाफरमान है, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब इंडियन नहीं है ये कि बाप को गलत कहेंगे समझाएंगे तो बाप हाँ हाँ बच्चे मैं भी गलत हूँ। अनम जी आप 80% इंडियन हैं, आपका कल्चर इंडियन, भाषा इंडियन, कपड़े इंडियन, सोच इंडियन, आप अरबी नहीं है, आपकी सिर्फ एक चीज इंडियन नहीं है कि आप मानती हम इंडियन नहीं है, आपके मानने से नहीं हो। आप हम और आप कैसे बात कर रहे हैं भाई? हम भूटान के लोग से बात नहीं कर पाते, आप हम कैसे बात कर रहे हैं? आप हमको कैसे समझ रही हैं? जो आपके आप ना ऐसा कीजिए, उर्दू के 5 मुहावरे बताइए, सेम मुहावरे होंगे वो हिंदी में, 5 मुहावरे बता दीजिए आप। आप सेम आप डिनाई करते हो। आपके यहाँ पे शादी में हल्दी होती है या सीधा जाकर के दो दो शादी कितने दिन तक चलती है आपकी? 1-2 दिन का प्रोग्राम होता हो ना, ये हल्दी उबटन ये सब जो लगता है ये क्या जरा अरबी करते हैं? जरा पूछ के आइए, ये मेहंदी जो लगती है ये क्या अरबी करते हैं? ये हमारा कल्चर है जिसको आप दिन रात जीते हो और कहते हो कि हम पाकिस्तानी कल्चर है यार। अब दो गई लस्सी, लस्सी पीती हैं कि नहीं पीती हैं आप? पीते तो ये हैं लस्सी पाकिस्तानी है या लस्सी मुगल लेके आए थे? दाता खौफ कर रहे हैं, खाती आप हिंदुस्तानी, पीती हिंदुस्तानी, कल्चर हिंदुस्तानी, सिनेमा हिंदुस्तानी, सोच हिंदुस्तानी, सिर्फ किताबें पाकिस्तानी हैं आपकी। आप समझ रही हैं? वरना आप दिन रात, आपके घर पे मैं जाऊंगा ना तो सेम आपको वो डिजाइन दिखेगा घर का जो मेरे घर का होगा, आर्किटेक्चर भी वही होता है। ये जो लिबास आपने पहना है ये तुर्की है, ये अरबी है क्या? ये अरबी महिलाएं ये पहनती है, जरा जाके देख लीजिए ये सलवार दुपट्टा, ये जो दुपट्टा